महाकाल मंदिर के प्राचीन प्रवेश द्वार और 24 खंभे वाली माताओं के इतिहास के बारे में आपको सारी बातें बताकर हम निकल चुके हैं भूखी माता के दर्शन करने और उनसे जुड़े इतिहास को आपके सामने लाने। भूखी माता के बारे में ये कहा जाता है कि प्राचीन समय में जिसे भी उज्जैन का राजा बनाया जाता था उसे भूखी माता रोजाना खा जाया करती थी। कहा जाता है भूखी माता के मंदिर में आज भी तामसिक पूजा की जाती हैं और उन्हें शराब का भोग भी लगाया जाता है। भूखी माता के मंदिर से राजा विक्रमादित्य का क्या इतिहास जुड़ा है? क्या आज भी इस मंदिर में तामसिक पूजा की जाती है? क्यों भूखी माता का मंदिर उज्जैन की सीमा रेखा से बाहर स्थापित है? इन सारी बातों का जवाब इनक्रेडिबल एमपी की टीम आज आपको देने वाली है। तो चलिए हमारे साथ भूखी माता के मंदिर में। माँ भूखी माता का मंदिर उज्जैन के महाकाल के मंदिर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है और आप देखेंगे तो यहाँ पर मेन रोड से ही, मतलब जो गांव की मेन रोड है उससे ही लगा हुआ है माँ भूखी खीरमाई का मंदिर। और इस तरफ में देखेंगे तो ये दो दीप मालाएं हैं, इधर माँ, मतलब सिप्रा नदी बह रही है और माँ का ये मंदिर है। माँ का ये मंदिर बहुत पुराना है। इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये जो शेरों को जो बनाया गया है, देखिए कितनी प्राचीनता से बनाया गया है। प्राचीन समय में जैसे कलाकृति बनाई जाती थी उसका अनूठा संग्रह आपको देखने मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर, जहाँ कण कण में रहस्य है, कण कण में आस्था है और कण कण में अध्यात्म है। और हम बता दें आपको, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी ने कई माताओं के मंदिरों की, कई ऐसे मंदिरों की स्थापना की जिसके बारे में आपको भी जानकर हैरानी होगी। और उज्जैन के ऑलमोस्ट जितने भी मंदिर आप देखेंगे तो उसमें इस तरह की दीपमालाएं आपको दिखाई देंगी, जो आज से नहीं पुराने समय से, मतलब पुराने समय में ही इसकी, इनकी स्थापना की गई थी। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे मंदिर में जहाँ माँ को भूखी माँ के नाम से जाना जाता है। भूखी माँ का मंदिर छिप्रा नदी के तट पर ही विराजित है। आप अगर इस तरफ में देखेंगे तो छिप्रा नदी तट है और उसी तट पर ही विराजित है माँ भूखी माँ। और मंदिर के बारे में अगर कहा जाए तो कहा जाता है कि आज भी इस मंदिर में बलि प्रथा चलती है, मतलब जो पशुओं की बलि आज भी दी जाती है। सारी डिटेल्स हम आपको देंगे और इस मंदिर का जो पौराणिक जो कथा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही चौंकाने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सारी जानकारी हम धीरे धीरे आपको देंगे। मंदिर के अंदर हम जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 देवियों के रूप आपको दिखाई देंगे। इस तरफ में ये शेर विराजित हैं जो माँ के सेवक हैं, माँ के भक्त हैं, है ना। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये है माता के स्वरूप, जो एक बहनों के रूप में जानी जाती हैं। इनका क्या क्या स्टोरी है, क्या इतिहास है, यहाँ के हम पंडित जी से जानते हैं और वो हमें सारी डिटेल्स यहाँ की आपको देंगे। पंडित जी अपना नाम बता दीजिए। पुजारी विजय चौहान। कितने वर्षों से यहाँ पर आप माँ की सेवा में तत्पर हैं? यहाँ तो हमारी पीढ़ियाँ हो गई हैं। अच्छा। कई पीढ़ियों से हम बैठते आ रहे हैं यहाँ। और कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाराजा विक्रमादित्य जी ने की। जी हाँ, सम्राट राजा विक्रमादित्य ने इनकी स्थापना की है
और ये जो दो देवी आप देख रहे हो इनमें से एक बड़ी बहन है जिन्हें भूखी माता कहा जाता है, छोटी बहन का नाम भुवनेश्वरी माता है, उन्हीं का एक नाम धुमावती माता भी है। और ये जो देवी हैं दो देवी, इनकी जो बाकी बहन है 64 जोगनी जिन्हें कहते हैं, 64 देवियों में से दो बहनें ये भी है। और ये पहले अवंतिका नगरी के अंदर ही रहती थी जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, इसका पौराणिक नाम अवंतिका है। और ये सारी बहनें अवंतिका नगरी में इकट्ठा साथ में ही रहती थी। और रोज़ाना क्या होता था कि एक जवान मनुष्य को राजा बनाया जाता था और दिन भर उसका राजपाट रहता और रात्रि में सब माताएं मिलकर उसका भक्षण कर लेती थी। एक बार राजा विक्रमादित्य जो है उनके बड़े भाई राजा भर्तरी उनकी तलाश में यहाँ अवंतिका नगरी पहुँचे, उनकी तलाश करते करते उन्हें यहाँ रात्रि हो गई। और रात्रि में उन्होंने देखा कि पूरी नगरी में अंधकार है, तो उन्होंने मन में सोचा कि यहाँ का राजा कैसा है, बोले ये पूरी नगरी में अंधकार है। सुबह होती है, सैनिक उधर उन्हें ले जाते हैं राजा विक्रमादित्य को, साधारण वेश में रहते हैं, उन्हें राजा बनाया जाता है। राजा बनने के बाद वो सारी देवियों को खिला पिला के खुश कर देते हैं और ये जो देवी हैं इनसे वचन लेते हैं कि आप जो है मनुष्य का भक्षण करती हो राजा का, आप ये बंद कर दो और आप अवंतिका नगरी की सीमा से बाहर स्थापित हो जाओ। तो इन दोनों बहनों को अवंतिका नगरी की सीमा से बाहर यहाँ नदी के तट पर राजा विक्रमादित्य ने इनकी स्थापना करी। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माताओं के रूप रोजाना उज्जैन में बनाए गए राजाओं का भक्षण कर लेती थी, तब एक दिन ऐसा आया कि एक बूढ़ी महिला के बेटे को राजा बनाने के लिए चुना गया। बूढ़ी महिला का उसके बेटे के अलावा दुनिया में और कोई नहीं था। उसने सम्राट विक्रमादित्य से अपनी आप बीती कही। राजा विक्रमादित्य ने महिला को कहा कि आप चिंता ना करें, आज आपके बेटे की मृत्यु नहीं होगी, आपके बेटे की जगह मैं जाऊंगा। तभी राजा विक्रमादित्य ने हूबहू इंसान की तरह दिखने वाले एक मिठाई के पुतले को बनवाया और उस स्थान पर रखवा दिया जहां माताएं राजाओं का भक्षण किया करती थीं। जब माताओं ने उस पुतले को खाया तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य से प्रसन्न होकर उनको वरदान मांगने के लिए कहा। तब सम्राट विक्रमादित्य ने उनसे कहा कि हे माँ, आप मुझे इतना वरदान दो कि आज से आप मनुष्य का भक्षण ना करें और उज्जैन के बाहर अपना निवास स्थान बनाएं। माँ ने उनकी बातों को मानकर इस स्थान पर विराजित होने का निश्चय किया। प्राचीन समय में माँ के इस मंदिर में तामसिक पूजा या बलि प्रथा की शुरुआत कैसे की गई उसके इतिहास को भी पुजारी जी ने हमें बताया। बहनों को अवंतिका नगरी की सीमा से बाहर यहाँ नदी के तट पर राजा विक्रमादित्य ने इनकी स्थापना करी। स्थापना करने के बाद ये देवी बोली कि राजा, आपने हमें अवंतिका नगरी से बाहर कर दिया है, अब यहाँ हमारे खाने पीने का प्रबंध कैसे होगा। तो फिर राजा ने कहा था कि आने वाला जो मानव जीवन होगा उसमें आपके दर पर जो भी कोई आए, जो भी मनोकामनाएं मांगे, जो भी इच्छाएं मांगे, आप उन सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, उसके बदले में आपको आपका भोजन ला के देंगे। और भोजन में राजा विक्रमादित्य ने इन्हें 4 पैर का पशु और 2 पैर के पक्षी की बलि चालू करवाई। तो आज भी ये प्रथा चली आ रही है, लोग आते हैं, मन्नत करते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है, उसके बदले में जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं मांस वगैरह का, वो आके यहाँ बलि देते हैं, अपने परिवार वालों को प्रसाद ग्रहण करवा देते हैं। और जो इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं वो यहाँ जीवित छोड़ जाते हैं, अमरिया जिसे बोलते हैं, बकरा या मुर्गा, और अन्य किसी प्रकार की मनोकामना अपन कर सकते हैं। और माता हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करती है और विशेषतर संतान के लिए, जिन्हें संतानें नहीं होती है यहाँ उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। ये इनकी पूरी माता की पूरी कहानी है। पंडित जी के बताए अनुसार हमने भी हमारे द्वारा लाई हुई मदिरा का भोग दोनों माताओं को लगवाया।
उज्जैन के जितने भी प्राचीन मंदिरों के दर्शन अभी तक हमने आपको कराए हैं, सभी में ज़्यादातर इसी तरह की प्राचीन मूर्तियों के हमें दर्शन हुए हैं। चाहे फिर वो माता हरी सिद्धि की मूर्ति हो, माता महालाया, माता महामाया की प्राचीन मूर्ति हो, या फिर भूखी माता की मूर्ति हो, हमने इनके दर्शन करते हुए जब भी माताओं की आंखों में देखा है, हमें ऐसा लगा है कि माँ सचमुच हमें ही देख रही हैं। इसके पीछे क्या राज है, इसके बारे में भी हमें पंडित जी ने बताया। माँ की आंखों को अगर देखा जाए तो हमें ये प्रतीत होता है कि वो सच में ही हमें देख रही हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है सर? इसका कारण है कि जो ये की मूर्ति जो है कई वर्षों पुरानी है जी। और उस समय जब इनकी स्थापना की गई थी तो जो साधारण अपनी आंखें रहती है उसी प्रकार की इनकी आंखें थी, लेकिन जब इनका श्रृंगार होता है, इनका चोला चढ़ाया जाता है, सिंदूर और तेल का जो लेप इन पे किया जाता है, चोला चढ़ाया जाता है, कई सालों से वो लेप सोना सिंदूर और तेल का लेप चढ़ के इनकी आंखें जो है अंदर चली गई, इनका चेहरा बड़ा हो गया, इस कारण इनकी आंखें अपनों को ऐसी नज़र आती है, रियल प्रतीत होती है जी। जी हाँ, साक्षात हमें देख रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद पंडित जी हमें इतनी जानकारी दी। जय माता दी। जय माता दी। मंदिर के पीछे वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ झाड़ फूक का सामान हमें देखने को मिला। इस तरफ में अगर आप देखेंगे ना तो ये गोबर से स्वास्थ्य बनाए गए हैं। माना जाता है कि जिस किसी को भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वो यहाँ पर उल्टा स्वास्थ्य बनाते हैं, और जब उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती है, जब उनको बच्चा हो जाता है, तो फिर वो यहाँ वापस आकर उस स्वास्थ्य को सीधा बनाते हैं और यहाँ पर जो भी माँ के प्रति अर्पित करना होता है उन्हें वो यहाँ पर माँ को चढ़ाते हैं। जैसा कि राजा विक्रमादित्य जी को माँ ने वचन दिया था और कहा था कि मैं अवंतिका जो नगरी है, या हम यह कह सकते हैं कि उज्जैन नगरी है, उसके तट क्षेत्र से बाहर अपना स्थान बनाऊंगी। और अगर आप देखेंगे तो इस तरफ में ये क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी के उस तरफ में उज्जैन नगरी है और इस तरफ में दूसरा एरिया लगता है, और माँ का जो मंदिर है वो इस तरफ में है। और हमें वो जगह भी दिखाई दी जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है, जहाँ पर बलि चढ़ाकर आप देखेंगे इस तरफ में, तो इस तरफ में बलि को चढ़ाया जाता है, जो भी पशु या हम ये कहें मुर्गे की को यहाँ पर लाकर काटा जाता है और फिर प्रसाद के रूप में उसे वहाँ पर पकाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी लोग बना रहे हैं, और फिर उसको उस माँ को चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। इनक्रेडिबल एमपी की टीम निकल चुकी है चिंतामन गणेश मंदिर की तरफ, उनके दर्शन करने और उनसे जुड़े सारे इतिहास को आपके सामने लेकर आने। इनक्रेडिबल एमपी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियोस को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपके माध्यम से ही और लोगों तक पहुंचती है। नमस्कार, नर्मदे हर, जय भूखी माता की।